हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिनू साइंस वर्ल्ड में। और मैंने अब तक श्वसन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और श्वसन के बारे में पिक्चर बना के बता दिया मैंने आपको कि श्वसन कैसे होता है। अब मैं इसके चरण बताऊंगा कि श्वसन के अंदर कौन कौन से चरण होते हैं और इसे श्वसन प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, आप ध्यान दे के पढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, श्वसन के चरण, इसमें दो चरण बताए गए हैं, पहला अंतःश्वसन, दूसरा बहिःश्वसन। अब ये अंतःश्वसन क्या होता है, बहिःश्वसन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतःश्वसन यानी कि गैसों को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या होती है, अंतःश्वसन। और बहिःश्वसन क्या होता है, गैसों को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया बहिःश्वसन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा बताता हूँ। ICM यानी कि अंतरपशु का पेशिया, अंतरपशु का पेशिया होती है उसमें संकुचन होता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर श्वसन प्रक्रिया के दौरान ICM नामक की एक श्वसन पेशियां होती हैं जो हमारे श्वसन तंत्र में पाई जाती हैं। वो क्या करती है, देखो उसमें क्या होता है, संकुचन होता है। संकुचन होने के कारण जैसे ही संकुचन होगा तो वक्ष गुहा बाहर की तरफ गति करती है। यानी कि वक्ष गुहा का मतलब हुआ हमारे जो चेस्ट का हिस्सा है, वो चेस्ट का हिस्सा देखा जैसे मैंने आपको कल पिक्चर के अंदर बताया था, मैंने आपको लंग्स बताए थे, लंग्स यानी फेफड़े बताए थे। तो फेफड़ों के ऊपर क्या होती है, पसलियों का घेरा होता है, उसे उस स्थान को वक्ष गुहा बोलते हैं। जो वक्ष गुहा क्या करती है, बाहर की तरफ गति करती है, यानी कि बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे ही श्वसन प्रक्रिया अंदर हुई, जैसे ही गैसें अंदर गई, वो वक्ष गुहा क्या आ गई, बाहर आ गई। और बाहर आने का कारण क्या है, उस दौरान हमारे शरीर के लंग्स है वो फैल गए, यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं वो फूल गए इसी कारण। और यदि बहिःश्वसन की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ICM यानी कि अंतरपशु का पेशिया, मैंने आपको नाम बता दिया है। और वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, शिथिलन। और शिथिलन के कारण क्या होती है, वक्ष गुहा अंदर की तरफ गति करती है। कहाँ करती है भैया, अंदर की तरफ। ये वक्ष गुहा कहाँ चली जाती है, अंदर की तरफ। आप खुद घर में बैठे ट्राई कर सकते हैं। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, आयतन के अंदर वृद्धि हो जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा, इसमें आयतन घट जाएगा। कहाँ होगा भैया, बहिःश्वसन के अंदर। और देखो अंतःश्वसन के अंदर इसका दाब कम हो जाएगा, बहिःश्वसन के अंदर दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो इसमें सांद्रता घट जाएगी और इसमें सांद्रता बढ़ जाएगी, किसमें, बहिःश्वसन में। बाहर से गैसें अंदर लेने पर डायाफ्राम चपटा हो जाता है, मैंने आपको दिखाया था पिक्चर के अंदर। ठीक है ना, तो जैसे ही आपने गैसें अंदर भरी तो डायाफ्राम क्या हो गया भैया, चपटा हो गया। मैंने आपको कल ऐसे पिक्चर के हिसाब से यूं ही बताया था, ध्यान रखिए, अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए, है ना। और यदि देखो बहिःश्वसन के अंदर क्या होगा, जैसे ही भीतरी गैसें होगी उसको बाहर छोड़ने पर डायाफ्राम फैल जाता है, डायाफ्राम पूरी तरह से फैल जाता है, यानी कि उसके अंदर किस आकार में बन जाएगा, गुंबद आकार बन जाएगा, गुंबदनुमा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ तो डायाफ्राम फैल गया, चपटा हो गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और इसका आकार कैसा होता है, गुंबदनुमा। गुंबदनुमा मतलब इस टाइप का, यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा, गुंबदनुमा। आई बात समझ में, चलिए बताता हूँ। श्वसन की प्रक्रिया एक प्रकार का विसरण द्वारा संपन्न होती है, विसरण प्रक्रिया होती है सब। और विसरण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, विसरण यानी कि गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, क्या कहलाता है भैया, विसरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतना लिखिए, हाँ। तो श्वसन प्रक्रिया के बारे में चल रहे थे, जिसमें मैंने अंतःश्वसन और बहिःश्वसन बढ़ाया। अब इसमें बताता हूँ कि इसमें, अब देखो श्वसन प्रक्रिया में चार पदों में संपन्न होती है, यानी कि इसमें फोर स्टेप होते हैं। कौन कौन से फोर स्टेप है इसके बारे में पढ़ेंगे, पहला है बाह्य श्वसन, ठीक है, और दूसरा देखिए परिवहन, तीसरा आंतरिक श्वसन, और चौथा क्या हो जाएगा, केशिकीय श्वसन। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बाह्य श्वसन, ठीक है, तो वीडियो अब देखो, अब मैं इसके अंदर पूरी जानकारी दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं पूरी तरह से इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप धीरे धीरे इसके अंदर पूरी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो श्वसन के अंदर देखिए क्या होता है, सबसे पहले बाह्य श्वसन है, इसमें पहला स्टेप यही है, पहला स्टेप बाह्य श्वसन है, वातावरण में फेफड़ों द्वारा, किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा गैसों का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता
है। अब देखो वातावरण से गैस ली, वो आपने किसके द्वारा ली, फेफड़ों द्वारा, और फेफड़ों से क्या किया, गैसों का आदान प्रदान किया, और ये क्या कर, ये प्रक्रिया क्या होती है, बाह्य श्वसन कहलाती है। तो ये तो हो गया बाह्य श्वसन की नॉर्मल बात। फिर आती है परिवहन की बात। परिवहन यानी कि अब देखो भेजना, लेना, देना, लेकर जाना और लेकर वापस आना, ये सब प्रक्रिया किसमें होती है, परिवहन के अंदर, समझ रहे हो आप। यानी कि आप देखो किसी व्हीकल के ऊपर लिखा होता है परिवहन, मतलब चलने, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और लेकर जाती है और लेकर आती है, उसे परिवहन बोलते हैं। तो देखिए परिवहन यानी कि देखो किसका परिवहन, किस किस का, गैसों का परिवहन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन के कुछ अणुओं द्वारा उनका मिश्रण किया गया और इसमें कुछ गैसों का आदान प्रदान हुआ था, तो मैंने आपको बताया था ना, ठीक है ना। तो उसी के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ अभी कि O2 का परिवहन यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन 97% ऑक्सीजन का परिवहन क्या होगा भैया, आरबीसी हीमोग्लोबिन द्वारा, आरबीसी के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाया जाता है उसके अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है, वही हीमोग्लोबिन आपका क्या करेगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है, और प्लाज्मा के बारे में आप जानते ही है, मैंने आपको WBC RBC और प्लाज्मा के बारे में जानकारी दी थी जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। दूसरी और फिर इसके अंदर आता है CO2 का परिवहन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अरे देखो मैं फ्रेंड्स ये बता देता हूँ कि ऑक्सीजन और CO2 कहाँ पर आए थे, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के साथ में O2 6O2 की प्रक्रिया करवाई थी जिसमें 6CO2 निकला था, तो उसी दौरान जो गैस आए हैं उस गैसों का परिवहन बता रहा हूँ मैं। उस दौरान देखो 20-25% गैस होती है CO2 की, वो क्या करती है आरबीसी के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन, आरबीसी में उपस्थित, देखो दो बार लिखते हैं, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट द्वारा, मैंने आपको उस देखिए पिछली वीडियो तो बिल्कुल देखनी ही पड़ेगी नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि CO2 का बाइकार्बोनेट के रूप में कैसे होता है, तो उसी के हिसाब से 70% आप ध्यान रखना कि उसमें बाइकार्बोनेट द्वारा होता है, ठीक है। तो मुख्य क्वेश्चन इसमें से यही निकलता है और ऑक्सीजन में से यही निकलता है कि 97% आरबीसी के हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। तो ये तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन, तो इसमें आपको बिल्कुल वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल दिमाग में घुसिए और ये बस इसके बारे में थोड़े से नोट्स लिख दीजिए। 70% कार्बन डाइऑक्साइड पीछे बचा हुआ 7% है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कहाँ होगा, प्लाज्मा के रूप में, ठीक है ना। तो तीन चीजें यहाँ पे काम आती हैं, एक तो आता है हीमोग्लोबिन, दूसरा प्लाज्मा और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तीसरा जाता है बाइकार्बोनेट। ये तो कई CO2 के परिवहन। अब देखो किस इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सर हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बता दिया है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसनीय वर्णक है, श्वसनीय वर्णक मतलब सांस के अंदर काम आने वाला एक कोई वर्णक है। अब देखिए क्या है, संयुक्त प्रोटीन है, क्या है, एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन है, जो एक प्रोटीन का ग्रुप है वो उसी को हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं। मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, क्या करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, अब हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन करता है। HB शॉर्टकट में इसको HB लिखते हैं ना, तो मैंने आपको इधर हीमोग्लोबिन को HB लिख दिया है। HB यानी कि हीमोग्लोबिन एक अणु, ये हीमोग्लोबिन का एक अणु होता है वो 4O2 के अणुओं द्वारा परिवहन होता है। अब 4O2 के परिवहन अणु द्वारा कैसे परिवहन होता है इसके बारे में बताता हूं, थोड़ा इनके बारे में लिख दीजिए। हीमोग्लोबिन की बात चल रही थी जिसमें मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था, तो हीमोग्लोबिन के अंदर 5% पाया जाता है हीम, जिसके अंदर फेरस के 2+ होते हैं, यानी कि 2+ गुण होते हैं जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की शक्ति रखता है। फेरस के गुण पाए जाते हैं 5% हीम के अंदर, और ग्लोबिन के अंदर 95% में 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। 4 पेप्टाइड बॉन्ड कौन कौन से, 2 होते हैं अल्फा के और 2 होते हैं बीटा के। तो फ्रेंड्स आपको बस ये पेप्टाइड के बॉन्ड याद रखने हैं कि 90% ग्लोबिन के अंदर पाया जाने वाला जिसमें 95% पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें 2 अल्फा के हैं 2 बीटा के हैं। तो ये तो हुई बात इसकी।
फ्रेंड्स मैं एक जानकारी और दे देता हूँ, यदि आप वीडियो को ऐसे मोबाइल को वर्टिकल हिसाब से देख रहे हैं तो आपको छोटा छोटा दिखेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ यदि वीडियो देख ही रहे हैं तो आप वीडियो को हॉरिजॉन्टल मोड में रख करके देखिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ईयरफोन लगाकर देखिए ताकि आपको आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे। यदि आप किसी माहौल में बैठे हैं और उस माहौल में देख रहे हैं तो वीडियो का बिल्कुल मजा नहीं आएगा देखने का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें देखिए ये तो हो गए दो प्रकार की दुष्वसन की प्रक्रिया के दो स्टेप थे, और थर्ड स्टेप क्या है इसके अंदर बताता हूँ मैं, आंतरिक श्वसन। देखो आंतरिक श्वसन कैसे, रक्त तथा अन्य गैसों द्वारा आदान प्रदान। देखो रक्त के द्वारा भी और अन्य गैसों का आदान प्रदान होता है, वो किसके द्वारा होता है, आंतरिक श्वसन प्रक्रिया के दौरान होता है। आंतरिक श्वसन प्रक्रिया के दौरान जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज पर O2 आक्रमण करती है, यानी कि ऑक्सीजन आक्रमण करती कहाँ करती है, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन का आक्रमण यानी कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया रिएक्शन उसके साथ में जो क्रिया की है, जिससे क्या होता है CO2 H2O और ATP के रूप में जो ऊर्जा निर्माण होती है उसी को ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया था C6H12O6+6CO2 के साथ में मैंने आपके रिएक्शन कराया, जिसमें 6CO2+12H2 के रूप में ATP के रूप में 38 ATP और 6H2 के रूप में जो हमको ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त हुई थी, वो सब पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, कोशिकीय श्वसन हो गई फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये तो आपको बस जानकारी प्राप्त हो गई है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिकीय श्वसन क्या है, इस प्रकार में ऑप्शन देते हैं आपको, तो उसमें आपको बताना ही है कि जिसके अंदर ATP की ऊर्जा का निर्माण होता है वही चीज होती है, इसके अंदर क्या होती है भैया, कोशिकीय श्वसन। अब देखो वातावरण के अंदर कुछ 26 प्रकार की गैसें होती है, और श्वसन प्रक्रिया के दौरान 3 प्रकार की ली गई गैसों का अनुपात है, वो मैं उसकी पूरी सारणी आपको समझा देता हूँ। वातावरण के अंदर श्वसन प्रक्रिया के अंदर 3 प्रकार की गैसें हम उपयोग लेते हैं, कौन कौन सी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। 3 प्रकार की गैसें श्वसन के दौरान, याद रखना, तीन गैसें हमारे श्वसन प्रक्रिया के दौरान काम आती हैं। कौन कौन सी, देखिए O2 यानी कि ऑक्सीजन, देखो इसका कितना परसेंट हम वातावरण से लेते हैं, 21% वातावरण में होता है और उसमें से हम ऑक्सीजन लेते हैं। कितनी लेते हैं अतः श्वसन के दौरान, 21% हम उसमें से 21% वातावरण में होती है और अतः श्वसन के दौरान भी हम 21% लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण के अंदर 0.03% होती है, वही गैस हम अतः श्वसन के दौरान काम में लेते हैं। और बताता हूँ कि नाइट्रोजन गैस होती है, वो अतः श्वसन के दौरान 78% हम काम में लेते हैं, और वही श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को हम 60% के हिसाब से उसको बाहर छोड़ देते हैं। और देखिए भाई मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वही श्वसन के दौरान 4%, देखिए फ्रेंड्स आपने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ली कितनी, 0.003 यानी 0.003% थी, उसको आपने वही श्वसन के दौरान 4% आपने रिलीज की है। देखिए और देखिए मैं बताता हूँ कि जितने आपने नाइट्रोजन गैस है उसके बारे में एक विचित्र जानकारी बताता हूँ, ये आपको मतलब एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा जानकारी जो ज्यादा याद रखने की जरूरत है। तो देखो नाइट्रोजन गैस है वो श्वसन के दौरान भी 78% आपने ले ली है, और वही श्वसन के दौरान भी 78% रिलीज कर दी है। देखो आप इसके अंदर नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, देखो नाइट्रोजन के बीच में कितना कौन सा बॉन्ड पाया, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और देखो इसमें क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें नाइट्रोजन गैस होती है उसके अनुपात देखिए कहीं पर भी नहीं बदल रहा है वातावरण के अंदर, देखिए 78% है, अंत श्वसन के दौरान भी 78% है और वही श्वसन के दौरान भी 78% है। तो आपको ये सारणी बिल्कुल दिमाग में रखनी है, क्या क्या किस समय कौन सी गैस किस प्रकार से वही श्वसन और अंत श्वसन के दौरान काम आई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतना लिखिए और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसको वीडियो को कर देते हैं समाप्त। ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है लिंक रिएक्शन, तीसरा होता है क्रेब्स साइकिल, और चौथा होता है ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तो आपने नाम बिल्कुल पहली बार सुने हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी मैं चीज पढ़ा रहा हूँ उस चीज को पूरी डिटेल के साथ, यानी कि आप IAS लेवल तक का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, उसमें पाए जाने वाले सारे साइंस से संबंधित सभी क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो को पूरी से पूरी की पूरी डिटेल के साथ में आपको पूरा पूरा टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स
बस आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस और इसके श्वसन के जितने भी पथ हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और क्वेश्चन कुछ आपको मन में उठ रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के अंदर बेझिझक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद चाहता हूँ यदि आपके साथ में आप अगर लोगों की खुशी में खुश हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि सामने वाले को बिल्कुल खुशी प्राप्त हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो मेरे सारे वीडियो आप देखते होंगे लगातार, तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि कुछ ऐसे मेरे जुड़े हुए हैं जो मतलब 50% ऐसे लोग हैं जो मेरे जुड़े हुए लोग हैं जो बिल्कुल वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की, अगर आपको वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कमी दिख रही है कि सर आपको ये सर आप स्पीड से पढ़ा रहे हैं या सर कुछ ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, तो ये आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताइए ताकि मैं आपको और ज्यादा विकास के साथ में और ज्यादा इसके डेवलपमेंट के साथ में आपको अच्छा तरह से पढ़ा सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल है बोले। जय हिंद जय भारत।